अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आपने भी अगर ये एसी डीसी फ़ैन बिजली की बचत के लिए लगाया था लेकिन आपका जो बिल है उसमें कोई कमी नहीं हुई तो ये वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये 60 वाट का एसी डीसी फ़ैन मौजूद है जिसको हम 30 वाट का बना देंगे। तो एक जुगाड़ हम करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ ऐसी लगाएंगे जिससे हमारा जो 60 वाट का पंखा है ये 30 वाट पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा 30 वाट पर चलेगा। और किसी भी बाइक अगर फ़ैन का जो एसी डीसी फ़ैन का जो सर्किट है वो ख़राब है और वो लगा लगा के थक गए, चेंज कर करके थक गए लेकिन वो सर्किट जो है बार बार ख़राब हो जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल होने वाला है इस वीडियो में। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखें, ये सर्किट में एक तरफ लिखा हुआ एसी 220 वोल्ट, तो अक्सर ये हमारी जो एसी वाली साइड है ना ये इसकी ख़राब हो जाती है और दूसरी तरफ जो डीसी वाली साइड है हमारी ये साइड हमारी सही होती है। तो इसको डीसी वाली साइड को जो हम सिर्फ बैटरी पर यूज़ कर सकते हैं, इसको हम 220 पर नहीं चला सकते, तो इसको हम 220 पर भी चला के दिखाएंगे आपको और बैटरी पर भी, दोनों पर चला के दिखाएंगे। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई मौजूद है जो कि लैपटॉप की पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट 3 एम्पायर की पावर सप्लाई है, इससे हम इसको जो ना डीसी पे भी चला सकते हैं। ये 220 यहाँ से हम इसको इन करेंगे तो ये हमें जो ना 12 वोल्ट 3 एम्पायर देगा, ये 12 वोल्ट 3 एम्पायर से हमारा जो पंखा है वो चल जाएगा। और इसको बैटरी में भी किस तरीके से लगाना है ये भी आपको पूरा गाइड करेंगे। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई से आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे, अगर आपकी एसी आपके जो कार्ड की एसी वाली साइड है वो वर्क नहीं कर रही तो आप सिर्फ डीसी वाली साइड पर ये पावर सप्लाई लगा के 220 पर चला सकते हैं, और अगर आपकी एसी साइड वर्क कर भी रही है तो भी आप उसको अगर डीसी फंक्शन पे लगाएंगे तो आपके कार्ड की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी, आपका कार्ड जो है वो बार बार ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आपके जो पंखे के वोल्ट हैं अगर वो 60 वोल्ट है तो वो 30 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो 30 वोल्ट इस्तेमाल करेगा तो आपका जो बिजली का बिल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी हम आपको पावर सप्लाई पर ये लगा के चेक करवाते हैं। तो दोस्तों इसका वायर लगाते वक्त सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो प्लस है वो आपको प्लस में लगाना है, जो उसका माइनस है वो माइनस में लगाना है। अगर आपने ये प्लस और माइनस गलत लगा दिया तो आपके जो पंखे का सर्किट है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब बारी से चेक करने की, तो चलें फिर इसका जो रिमोट है उसमें सेल डाल देते हैं और ये पंखा हम जो है वो बिजली में लगा के चेक करते हैं कि हमारा जो पंखा है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखें दोस्तों वायर इसके हमने लगा दी है और ये देखें ये इसकी सर्किट में आवाज़ आ गई बीप की, यानी कि सर्किट इसका ऑन हो चुका है। अब इसको रिमोट से हम चेक करेंगे तो ये देखें फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है, और ये देखें सेकेंड और थर्ड सारी स्पीड इसकी देखें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, और फैन जो है ना हमारा बिल्कुल स्पीड से घूम रहा है जिस तरह ये 220 पे घूमता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये आपकी पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है, अगर आपकी पावर सप्लाई जो है वो परफेक्ट 12 वोल्ट 3 एम्पायर 6 एम्पायर या 8 एम्पायर इस तरीके से मतलब 12 वोल्ट परफेक्ट अगर होगा तो ही आपको सही स्पीड देगा, अगर इसमें आपके परफेक्ट 12 वोल्ट नहीं होंगे तो ये आपको सही स्पीड नहीं देगा, स्पीड इसकी स्लो होगी। तो कोशिश करें इसमें जब आप 15 वोल्ट की पावर सप्लाई ले लें तो स्पीड आपको और भी अच्छी मिलेगी इसमें। और इसका बैटरी का भी आपको समझाते हैं कि इसमें आप बैटरी किस तरीके से जोड़ेंगे। तो दोस्तों फ़ैन हमने चेक करा दी आपको पावर सप्लाई पे, अभी आपको बैटरी का समझाएंगे कि बैटरी इसमें आप किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो टैपिंग हमने की थी वो टैपिंग दोबारा खोल के आपको समझाते हैं। तो ये देखें दोस्तों ये दोनों वायर हमारे सर्किट के, तो एक तरफ हमने जहाँ पर जो पावर सप्लाई का प्लस जहाँ पर लगाया हुआ है वहाँ पर हम एक बैटरी का प्लस लगा देंगे, दूसरा जो हमने माइनस खोला हुआ है इस माइनस के अंदर में एक डायोड लगाएंगे और उस डायोड को जो ना वो इस चार्जर के साथ और बैटरी के तार के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से पंखा जो हमारा वो लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ना वो बैटरी पर कन्वर्ट हो जाएगा और लाइट होगी तो ये पावर सप्लाई पर चलेगा। और इसके अलावा फिर आप इसमें जो ना रिले भी लगा सकते हैं, अगर रिले लगाएंगे तो उससे भी यही होगा कि अगर लाइट जाएगी तो आपकी जो बैटरी पे कन्वर्ट हो जाएगा पंखा और लाइट होगी तो पावर सप्लाई भी चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इस चीज़ की भी वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से समझा दूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।